हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबिंग प्लेनेट। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इस मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इस क्यूब को हम लोग पेरामॉर्फिक्स क्यूब भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग बिल्कुल वैसे सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग 3x3 क्यूब सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इस क्यूब के पीसेस के बारे में आपको बता देता हूं। तो जैसे कि आप लोग यहां साइड में जो पीसेस देख रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पीस। तो ये जितने भी कॉर्नर पीसेस हैं, इन सभी में तीन कलर हैं। और यहाँ पे ये जो आप लोग ये बड़े साइज वाले पीसेस देख रहे हैं, ये जो आप लोग बड़े साइज वाले पीसेस देख रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं एज पीस। देखिए, ये जितने पीसेस हैं ये सब ट्रेपेजियम साइज के पीस हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं एज पीस। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर आप लोग ये जो बीच में पीस देख रहे हैं, छोटे से ट्राइंगल पीस देख रहे हैं, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे सेंटर पीस होते हैं, लेकिन ये सेंटर पीस नहीं होते, इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पीस। ठीक है, ये जितने भी आप छोटे से ट्राइंगल पीस देख रहे हैं बीच में, तो इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर पीस। तो अब बात आती है कि सेंटर पीस कहाँ होता है। तो सेंटर पीस जो होते हैं वो हमारे ये होते हैं। देखिए, ये जितने भी पीसेज हैं ये, तो इनको हम लोग बोलते हैं सेंटर पीस। देखिए, ये सब ट्रेपेजियम साइज के बिल्कुल बीच में जो पीस हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं सेंटर पीस। तो ये जो सेंटर पीस है बिल्कुल फिक्स होते हैं, ये अपनी पोजिशन से बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। जैसे देखिए, हमारे ये सब पीस जो है ये मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये वाला जो पीस होते हैं तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते, ये हमेशा फिक्स रहते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं सेंटर पीस। तो अब इस क्यूब के मैं नोटेशंस के बारे में बता देता हूं। तो ये वो पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो नोटेशंस को समझने के लिए यहां पर मैं पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जैसे हम लोग नीचे यहां पर एक पहले क्रॉस बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर यहां टॉप पर भी एक क्रॉस बनाएंगे। तो जैसे कि अभी ये सॉल्व क्यूब है, तो यहां पर देखिए ये एक क्रॉस है। ठीक है, इसको देखिए, ये एक क्रॉस है। तो नोटेशन समझने के लिए पहले आप लोग यहां पर इस क्रॉस को देखिए। तो जैसे कि क्रॉस है, तो इसमें ये है हमारा सेंटर पीस। तो जब ये हमारा सेंटर पीस है, तो इसके जो इधर वाले, तो जब ये हमारा क्रॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूब को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे। देखिए, इस क्यूब को इस तरीके से मत पकड़िएगा, इस क्यूब को हम लोग इस तरीके से पकड़ेंगे। और यहाँ ये जो क्रॉस है, इसमें हमारा ये सेंटर पीस है। तो इस सेंटर पीस की जो इधर वाली साइड है, तो ये होती है हमारी राइट साइड, और इस सेंटर की जो लेफ्ट वाली साइड है, तो ये है हमारी लेफ्ट साइड। और यहां पर ये है टॉप साइड हमारी, और इसके यहां पर जो हमारी साइड है ये फ्रंट साइड है। क्योंकि ये वाला जो पीस है, ये पीसेस जो है ये हमारे इसके सेंटर पीस से पहले पड़ते हैं, तो इसलिए ये हमारी फ्रंट साइड है, और ये है हमारी डाउन साइड। तो अब आपको ये अच्छे समझ में आ गए नोटेशन। लेकिन यहां पर एक खेल थोड़ा सा और है कि जैसे कि हम लोग जब 3x3 क्यूब में जब राइट साइड को मूव करते हैं, तो क्या करते हैं, हम लोग पूरा एक टर्न लेते हैं। ठीक है, तब हम लोग उसको बोलते हैं आर। फिर जैसे अगर लेफ्ट साइड को पूरा एक तरफ मूव करते हैं, उसको बोलते हैं एल। लेकिन यहाँ इस मास्टरमॉर्फिक्स क्यूब में हम लोग जब यहाँ साइड्स को मूव करते हैं, तो सिर्फ हाफ पोजीशन मूव करते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर आर मूव करेंगे, तो सिर्फ हाफ पोजीशन मूव करेंगे, कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर। आर का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि हम लोग राइट साइड को इस तरह से पूरा 180 डिग्री टर्न कर देंगे। यहाँ पर हम लोग राइट साइड को अगर हम लोग बोलेंगे आर, तो आर में हम लोग सिर्फ राइट साइड को 90 डिग्री रोटेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर। अगर हम लोग बोलेंगे आर प्राइम, यानी कि आर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोग इस तरीके से मूव करेंगे। और सेम ऐसे अगर हम लोग लेफ्ट साइड को अगर मूव करेंगे, तो ये हमारी लेफ्ट साइड, तो इसको इस तरीके से मूव करेंगे हाफ पोजीशन, तो ये है एल। और अगर एल प्राइम बोलेंगे, तो ये हमारा एल प्राइम हो गया। सेम अगर हम लोग यू बोलेंगे, तो ये यू, और इसको उल्टा मूव करेंगे, तो ये यू प्राइम। ये हो गया हमारा डी, और इसको उल्टा मूव करेंगे, तो ये डी प्राइम। और अगर हम लोग एफ मूव करेंगे, तो ये है एफ, हाफ पोजिशन किया हम लोगों ने इस तरीके से, तो ये एफ। तो इसको अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो इसको बोलेंगे एफ प्राइम। तो ये हो गया कुछ बेसिक नोटेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए हम लोग वही स्टेप्स और वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो हम लोग 3x3 क्यूब में भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक क्रॉस बनाना है। तो क्रॉस बनाने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे कोई एक सेंटर पीस चूज कर लेंगे, और उस पर हम लोग क्रॉस बनाएंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पर ये वाला सेंटर पीस ले रहा हूँ, और इस पर हमें एक क्रॉस बनाना है। तो ये जो हमारा सेंटर पीस है, तो इसमें हमारा ये ब्लू कलर है, और यहाँ पर हमारा ये ग्रीन कलर है। तो जब ये हम यहाँ पर ये ब्लू कलर है, इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों पोजिशंस पर ब्लू कलर के एज पीसेस को लगाना है। और यहाँ पे ग्रीन कलर है, तो इसका मतलब यह है कि हमें इन दोनों पोजीशंस पर ग्रीन कलर के एज पीसेस को लगाना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक ब्लू कलर का एज पीस लगाते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लू कलर का एज पीस। तो जब इसको हम लोग ऊपर करेंगे, तो देखिए क्या हुआ कि ये पीस हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो एज पीसेस है, तो इनमें देखिए दो साइड है, एक तुम्हारी ये साइड है, और ये एक ये साइड है। तो ये पीस जो है ये इधर से मैच नहीं कर रहा, ये पीस इस साइड से मैच नहीं कर रहा। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पीस जो है ये हमारा इधर दूसरी साइड से मैच कर जाए। तो दूसरी साइड से मैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पीस को हम लोग फिर से नीचे ले जाएंगे, और यहां पर ये जो हमारी टॉप लेयर जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसको साइड में कर दिया। तो अब ये जो हमारा पीस है, तो इसमें जो ये जो हमारी दूसरी साइड है, तो हम लोग अब इसको ऊपर करेंगे। तो देखिए, अब ये जो है ये ऐसे मैच हो गया। तो ये पीस इस तरह से मैच हो गया। अब ऐसे में बाकी के पीसेस को लगाना है।
तो यहां पर भी हमें एक ब्लू कलर का एज पीस लगाना है, तो ये रहा हमारा ब्लू कलर का एज पीस, तो इसको हम लोग यहां पर ऐसे ऊपर कर देंगे। तो देखिए हमारा यहां पर ये पीस भी लग गया। अब ऐसे हमें बाकी के पीसेस को लगाना है, तो यहां पर हमें दो ग्रीन कलर के पीसेस को लगाना है। तो देखते हैं कि हमारे ग्रीन कलर के पीसेस कहां पर है। तो ये है हमारा ग्रीन कलर का एज पीस, तो इसको हमें यहां पर लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टॉप लेयर है हमारी, तो इसको हम लोग यहां पर साइड में कर देंगे। अब ये जो हमारा ग्रीन पीस है, तो इसको हम लोग आसानी से अब यहां पे लगा सकते हैं। जब इसको हम लोग ऊपर करेंगे तो देखिए हमारा ये पीस जो है ये यहां पे लग गया। अब लास्ट में हमें यहां पर भी एक ग्रीन कलर का एज पीस लगाना है, तो देखते हैं कि हमारा ग्रीन कलर का एज पीस कहां पर है। तो ये रहा हमारा ग्रीन कलर का एज पीस, तो इसको हमें लगाना है यहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको नीचे ले आएंगे जहां पे हमें लगाना है, मतलब जहां पे हमें लगाना है यानी कि ये पोजीशन, इसके जस्ट हम लोग नीचे ले आए। तो अब इस पीस को हम लोग यहां पर ऊपर करेंगे, तो देखिए यहां पर हमारा ये वाला एज पीस भी लग गया है। तो हमारे जितने भी एज पीसेस हैं ये सब लग गए, ठीक है, ये सेंटर पीस ऐसे कनेक्ट हो गए। तो अब यहां पर ये सब पीसेस को लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये जितने भी एज पीसेस हैं इनको इनके खुद के सेंटर पीस का मैच करना है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग 3x3 क्यूब में क्रॉस बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी एज पीसेस होते हैं उनको उनके खुद के सेंटर पीस का मैच करते हैं। जैसे देखिए यहां पर ये रेड रेड अपने सेंटर पीस का मैच है, ये ग्रीन जो है ये अपने सेंटर पीस का ऐसे मैच कर रहा है। तो ये जितने पीसेस हैं सब अपने सेंटर पीस का मैच कर रहे हैं। तो यहां पर भी हमें कुछ ऐसे करना है कि इन पीसेस को इनके सेंटर पीस का मैच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन पीसेस को इनके सेंटर्स के बीच में ले जाएंगे। जैसे यहां पर हमारे ये ब्लू पीसेस हैं, तो इनको इनके सेंटर पीसेस के बीच में ले जाएंगे। तो देखते हैं कि हमारे ब्लू सेंटर्स कहां पर हैं। तो देखिए यहां पर एक ये हमारा ब्लू सेंटर पीस है और एक हमारा ये ब्लू सेंटर पीस है। तो ये जो हमारे ब्लू कलर के एज पीसेस है, तो इनको हम लोग रोटेट करके इनके सेंटर्स के बीच में ले आएंगे, ठीक है। देखिए अब ये जो ब्लू कलर के पीसेस हैं ये अपने सेंटर्स के बीच में है। देखिए यहां पर भी हमारा ये ब्लू कलर का सेंटर पीस है और यहां पर भी हमारा ये ब्लू कलर का सेंटर पीस है। और ये हमारे बाकी के जो दो ग्रीन कलर के एच पीसेस है ये भी अपने सेंटर्स के बीच में है। देखिए यहां पर हमारा ये ग्रीन कलर का सेंटर पीस है और यहां पर हमारा ये भी ग्रीन कलर का सेंटर पीस है। तो अब जब हम लोग इनको इनके सेंटर पीस के बीच में ले आए हैं, अब हमें इनको इनके सेंटर पीस का ऐसे हमें मैच करना है, सही से मैच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि जैसा हमें इस पीस को इसके सेंटर साथ मैच करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पहले नीचे ले जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग नीचे ले गए। अब इस पीस को इसके सेंटर साथ मैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइड में कर देंगे। अब ये जो हमारा इसका सेंटर पीस है इसको हम लोग टर्न कर देंगे, इसको हम लोगों ने यहां पर टर्न कर दिया। तो अब हम लोग इस पीस को यहां पर लाके देखेंगे कि क्या ये अब मैच कर रहा है। तो ये एच पीस जो है ये अपने सेंटर के साथ ऐसे मैच नहीं कर रहा है, तो यहां पे ग्रीन जो है ग्रीन से मैच नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से टर्न करेंगे। तो इसको हम लोगों ने एक बार फिर से टर्न किया, तो अब इस पीस को हम लोग यहां पे लाके देखेंगे। तो देखिए इस बार जो है ये मैच हो गया। तो जब ये दो पीसेस आपस में ऐसे मैच हो गए, तो इनको फिर हम लोग ऊपर कर देंगे। तो देखिए यहां पर हमारा ये पीस जो है इस तरह से कनेक्ट हो गए। अब ऐसे हमें यहां पर भी यही करना है कि इस एच पीस को हमें सेंटर पीस के साथ हमें मैच करना है। जैसे हमारे यहां पर मैच कर रहा है, तो सेम ऐसे हमें यहां पर भी मैच करना है। तो हम लोग यहां पर भी यही करेंगे कि इसको हम लोग रोटेट करके नीचे ले जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग नीचे ले गए। अब हम लोग यहां पर ये जो इसका एच पीस है इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में कर देंगे, और यहां पर ये जो हमारा सेंटर पीस है इसको हम लोग रोटेट करेंगे। तो अब देखिए यहां पर ये ग्रीन जो है ग्रीन कलर, तो अब इसको हम लोग इधर लाकर देखेंगे कि क्या मैच कर रहा है। तो देखिए ये ऐसे मैच कर रहा है, ये अपने सेंटर साथ मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग फिर ऊपर कर देंगे। अब ऐसे हमें यहां पर ये ब्लू पीस को अपने सेंटर के साथ मैच करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग इसको नीचे ले जाएंगे और इसको हम लोग यहां पर ऐसे हम लोग यहां पर इसको साइड में कर देंगे। इसको हम लोगों ने यहां पर साइड में कर दिया, और ये जो हमारा इसका सेंटर पीस है इसको हम लोग रोटेट करेंगे। तो अब इस पीस को हम लोग यहां पे लाके देखेंगे कि क्या ये मैच कर रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो एक बार हम लोग इसको फिर से टर्न करेंगे, तो यहां पे देखिए फिर से ब्लू आ गया। तो अब जब इसको हम लोग यहां पर इधर लाकर मैच करेंगे, तो देखिए इस तरह से ये अपने ऐसे मतलब कनेक्ट हो गया ये। फिर इसको हम लोग ऊपर कर देंगे। तो यहां पर हम लोगों ने ये पीस को भी लगा लिया। अब हमें लास्ट में यहां पर इस एच पीस को अपने इसके सेंटर साथ मैच करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको नीचे ले जाएंगे और फिर इसको हम लोग इधर साइड में कर देंगे। अब यहां पर इसका ये जो हमारा सेंटर पीस है इसको हम लोग टर्न करेंगे। अब इस पीस को हम लोग वापस फिर से यहां पर लाके देखेंगे, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से टर्न करेंगे, इधर लाए हम लोग। तो जब इस बार हम लोग इसको इधर लाएंगे, तो देखिए मैच हो गया, और फिर इसको हम लोग ऊपर कर देंगे। तो अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर हमारे जितने भी एच पीसेस हैं ये सभी अपने सेंटर के साथ मैच हो गए, ठीक है। तो हमारा ये स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया।
तो क्रॉस बनाने के बाद अब हमें बनानी है फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले कॉर्नर पीसेस को लगाएंगे और उसके बाद हम लोग ये छोटे वाले ट्रायंगल कॉर्नर पीसेस को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एक कॉर्नर पीस। तो यहाँ पे हमें लगाना है ब्लू, ग्रीन और रेड कलर का कॉर्नर पीस। तो देखते हैं कि हमारा ऐसा कॉर्नर पीस कहाँ पर है। तो देखिए ये है हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का कॉर्नर पीस। तो इस पीस को पहले हम लोग यहाँ नीचे ले आएंगे, ठीक है, जहां पे हमें लगाना है उसके जस्ट हम लोग नीचे ले आए। तो अब इस पीस को यहाँ पे लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक सा एल्गोरिथम यूज करेंगे जो हम लोग 3x3 क्यूब में भी यूज करते हैं, जिससे क्या होगा हमारा ये वाला पीस यहाँ पे लग जाएगा। तो चलिए वो एल्गोरिथम यूज करते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए अभी हमारा ये वाला जो पीस है ये यहाँ पे नहीं लगा, तो इस एल्गोरिथम को हम लोग तब तक यूज करते रहेंगे जब तक ये वाला पीस हमारे यहाँ पे सही से लग नहीं जाता। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो अब देखिए हमारा ये वाला कॉर्नर पीस यहाँ पर सही से लग गया। अब हम लोग यहाँ पर कॉर्नर पीस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें लगाना है ग्रीन, ब्लू और येलो कलर का कॉर्नर पीस। तो देखते हैं हमारा ऐसा कॉर्नर पीस कहाँ पर है। तो ये है वो हमारा कॉर्नर पीस, तो इसको हमें लगाना है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही एल्गोरिथम यूज करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने यूज किया था, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए अब हमारा ये वाला पीस भी यहाँ पर लग गया। अब इन सब कॉर्नर पीसेस को लगाने के बाद हमें छोटे से वाले ट्रायंगल पीसेस को लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लगाना है एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस। तो देखते हैं कि हमारा ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस कहाँ पर है। तो हमारा जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल पीस जो है वो यहाँ पर है। तो इस पीस को हमें लगाना है यहाँ पर। तो इस पीस को यहाँ पे लगाने के लिए हम लोग वही एल्गोरिथम यूज करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम वाला। तो चलिए एल्गोरिथम यूज करते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए यहाँ पर हमारा पीस लग गया। अब ऐसे हमें यहां पर ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस लगाना है। तो देखते हैं कि हमारा ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस कहां पर है। तो ये रहा हमारा ब्लू कलर का ट्रायंगल पीस। तो इसको हम लोग पहले नीचे ले आएंगे जहां पर हमें लगाना है, यानी कि यहां पर लगाना है। तो इसको जस्ट हम लोग नीचे ले आए। अब हम लोग वही एल्गोरिथम यूज करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम वाला, और ये वाला पीस हमारा यहां पर लग जाएगा। तो चलिए एल्गोरिथम यूज करते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए अब हमारा ये वाला कॉर्नर पीस भी यहाँ पे लग गया। तो अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सारे कॉर्नर पीसेस जो हैं ये अपनी पोजीशन पे लग गए और हमारी ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई। तो देखिए ये जो है ये हमारी फर्स्ट लेयर है और ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट लेयर बनाने के बाद अब हमें बनानी है सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर में हमें इन सब पोजिशन पर एच पीसेस को लगाना है। तो जैसे हमें यहाँ पे लगाना है ब्लू कलर का एच पीस, यहाँ पे हमें लगाना है येलो कलर का एच पीस। तो ऐसे में बाकी की सभी पोजिशन पर एच पीसेस को लगाना है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमें लगाना है येलो कलर का एच पीस। तो ये रहा हमारा येलो कलर का एच पीस। तो ये जो हमारे एच पीस होते हैं इसमें दो तरह की साइड होती है, एक होती है शॉर्टर साइड और एक होती है लॉन्गर साइड। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर जो एच पीस देख रहे हैं तो इसमें ये है लॉन्गर साइड और ये है शॉर्टर साइड। तो इस पीस को हमें लगाना है यहां पर। तो यहां पर जब हमें लगाना है तो इसकी जो लॉन्गर साइड है, इस पीस की लॉन्गर साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी। देखिए ये लॉन्गर साइड है, तो इस पीस की जो लॉन्गर साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पीस की जो लॉन्गर साइड है उसको हम लोग इस पोजीशन से दूर ले जाएंगे, यानी कि इस पीस को हमें जहां पे लगाना है उसको हम लोग दूर ले जाएंगे। तो ये लॉन्गर साइड है इसको हम लोग दूर ले जाएंगे, यानी कि इधर ले जाएंगे, इसको हम लोग इधर ले गए। अब ये जो पीस है ये कॉर्नर पीस है, इसको हम लोग ऊपर करेंगे, इसको हम लोगों ने ऊपर किया। और ये जो पीस हम लोग दूर ले गए थे, अब इसको वापस फिर से इसकी पोजिशन पे ले आएंगे, इसको हम लोग इसकी वापस पोजिशन पे ले आए। और ये जो पीस इसको हम लोगों ने ऊपर किया था, अभी फिर से इनको हम लोग नीचे कर देंगे। तो अब देखिए यहां पर ये ऐसे पीसेस का पेयर बन गया, ठीक है, ये पीसेस का पेयर बन गया। तो अब इसको ध्यान से देखिए तो ये एक एरो की तरह है, ठीक है, ये एक एरो की तरह है। तो देखिए ये इधर की तरफ फेस कर रहा है, ये जो एरो जो है वो इधर की तरफ फेस कर रहा है, मतलब इस पीस को जो है हमें यहां पे लगाना है। तो ये देखिए ये एक एरो है, तो ये इधर की तरफ फेस कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर की तरफ ले जाएंगे, इसको हम लोग इधर की तरफ ले गए। अब जिस पोजिशन में हमें लगाना है, यानी कि ये पोजिशन, इसको हम लोग करेंगे ऊपर और फिर इन पीसेस को वापस हम लोग फिर से इधर ले जाएंगे और इनको हम लोग कर देंगे नीचे। तो अब देखिए यहां पर हमारे ये पीस लग गए। अब ऐसे हमें बाकी के पीसेस को लगाना है। तो यहां पे हमें लगाना है ग्रीन कलर का एच पीस। तो ये रहा हमारा ग्रीन कलर का एच पीस। तो ये जो हमारा ग्रीन कलर का एच पीस है, इसमें ये है हमारी लॉन्गर साइड और ये हमारी शॉर्टर साइड। तो इसमें जो है ये शॉर्टर साइड जो है, ये जो शॉर्टर साइड इसकी वो नीचे रहेगी। देखिए यहां ये शॉर्टर साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो शॉर्टर साइड इसको दूर ले जाएंगे, यानी कि हम लोग इधर ले जाएंगे, इसको इधर दूर ले जाएंगे, इसको हम लोग इधर दूर ले गए। अब यहां पर ये जो हमारा पीस है, यानी कि ये, इसको हम लोग ऊपर करेंगे, इसको हम लोगों ने ऊपर कर दिया। अब ये जो हम लोग पीस इधर ले गए थे, इसको हम लोग वापस फिर से इसकी पोजीशन पर ले आएंगे और फिर इसके बाद हम लोग इन पीसेस को नीचे कर देंगे। तो देखिए यहां पर भी इस तरह से दो पीसेस का पेयर बन गया। और अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक एरो है, तो ये जो एरो है ये इधर की तरफ फेस कर रहा है,
ये इधर की तरफ फेस कर रहा है तो इसको हम लोग इधर की तरफ ले जाएंगे, जब ये इधर की तरफ फेस कर रहा है इसको हम लोग इधर की तरफ ले जाएंगे, और इन पीसेस को हमें लगाना है यहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे और इन पीसेस को वापस इनकी पोजीशन पे ले आएंगे, फिर इनको हम लोग कर देंगे नीचे। तो देखिए यहां पर हमारे ये पीस भी लग गए। अब ऐसे हमें यहां पे लगाना है रेड कलर का एच पीस, तो ये रहा हमारा रेड कलर का एच पीस, तो इसमें है, ये है लॉन्गर साइड और ये है शॉर्टर साइड, तो इसमें इसकी जो लॉन्गर साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो लॉन्गर साइड है उसको हम लोग दूर ले जाएंगे, यानी कि इसको इधर की तरफ ले जाएंगे, इसको हम लोग इधर की तरफ ले गए, और ये वाला जो इसका कॉर्नर पीस है फिर इसको हम लोग ऊपर करेंगे, इसको हम लोगों ने ऊपर किया, फिर ये जो पीस को हम लोग दूर ले गए थे इसको वापस हम लोग फिर से इसकी पोजीशन पे ले आएंगे। इसको वापस देखिए इसकी फिर से पोजीशन पे ले आए, और इस पीस को हम लोग फिर नीचे कर देंगे। ये पीसेस देखिए नीचे आते हैं ना, तो इनको हम लोग नीचे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर दो पीसेस का पेयर बन गया, तो ये पेयर जो बन गया इसमें भी देखिए ये एक एरो शो कर रहा है, तो ये जो एरो है वो इधर की तरफ फेस कर रहा है, देखिए ये जो एरो है ये इधर की तरफ फेस कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर की तरफ ले जाएंगे, और जिस पोजीशन पर हमें लगाना है यानी कि ये, तो इसको हम लोग करेंगे ऊपर, फिर इन पीसेस को वापस फिर से इनकी पोजीशन पर ले जाएंगे, और इनको हम लोग कर देंगे नीचे। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये पीस भी लग गया। अब ऐसे हमें यहाँ पे लगाना है ब्लू कलर का एच पीस, तो ये रहा हमारा ब्लू कलर का एच पीस, तो इसमें ये है शॉर्टर साइड और ये है लॉन्गर साइड, तो इसमें जो इसकी शॉर्टर साइड है यानी कि ये नीचे रहेगी, तो ये इसकी शॉर्टर साइड हम लोग क्या करेंगे, इसको दूर ले जाएंगे। तो जब ये शॉर्टर साइड नीचे लगेगी तो इसको हम लोग इधर दूर ले जाएंगे, यानी कि इधर ले जाएंगे, इसको हम लोग इधर ले गए, और ये जो इसका कॉर्नर पीस है फिर इसको हम लोग ऊपर कर देंगे, इसको हम लोगों ने ऊपर कर दिया, फिर ये जो पीस को हम लोग इधर ले गए तो इसको वापस फिर से इसकी पोजीशन पे ले आएंगे, और इन पीसेस को हम लोग कर देंगे नीचे। तो देखिए यहाँ पर फिर से दो पीसेस का ऐसा पेयर बन गया, तो ये देखिए एक ये भी एक एरो की फॉर्म में है, देखिए एक एरो ही तो है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एरो है ये इधर की तरफ फेस कर रहा है, देखिए ये एरो इधर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसको हम लोग इधर की तरफ ले जाएंगे, इसको हम लोग इधर की तरफ ले गए। अब हमें इसको इस जगह पर डालना था, तो इसको हम लोग करेंगे ऊपर, और फिर पीसेस को हम लोग वापस फिर से इधर ले जाएंगे, और इनको हम लोग कर देंगे नीचे। तो अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे एच पीसेस हैं ये सब हमने इंसर्ट कर दिए, और हमारी ये सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो गई। तो दो लेयर्स बनाने के बाद अब हमें टॉप साइड पर एक क्रॉस बनाना है। तो क्रॉस बनाने से पहले हमारे पास यहाँ पर दो तरह की कंडीशन आ सकती है। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमारे पास ये आ सकती है कि जब हमारे पास इस तरह से एक ये एल शेप कंडीशन हो, तो ये एक एल शेप कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि जब हमारे पास इस तरह से एक लाइन शेप कंडीशन हो, तो ये एक लाइन शेप कंडीशन है। तो ये दो कंडीशन आ सकती है इस मास्टरमॉर्फिक्स के ऊपर। तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए ये एक एल शेप कंडीशन है, ठीक है। अगर इसको हम लोग कंपेयर करें ये 3x3 क्यूब से, तो देखिए जैसे हमारे यहाँ पर ये लाइन शेप कंडीशन है, तो सेम ऐसे हमारे यहाँ पर ये एल शेप कंडीशन है। तो देखिए ये हमारा सेंटर पीस है और ये हमारे एच पीसेस है, तो ये दोनों एच पीसेस जो है ये सेंटर पीस का मैच कर रहे हैं, तो ये एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं। देखिए हमारे ये दोनों भी एच पीसेस हैं तो ये मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे इधर वाले दो पीसेस जो है मैच कर रहे हैं, और ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन कंडीशन, जैसे ये स्ट्रेट लाइन कंडीशन है, सेम इसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन कंडीशन है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम लोग अपने फ्रंट में पकड़ेंगे, और यहां से हम लोग एक एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको यहां पर एक बात बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग यहां पर इस क्यूब की थर्ड लेयर बनाते हैं, तो इस क्यूब को हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं। इसको कभी भी इस तरह से मत पकड़िएगा, इसको हम लोग इस तरह से पकड़ेंगे, और तब हम लोग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर लाइन है, तो इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे, और यहां से हम लोग ये एल्गोरिथम यूज करेंगे, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारा एक पीस जो है ये अपने ये सेंटर के साथ मैच कर रहा है, लेकिन हमारा बाकी कोई सब पीस मैच नहीं कर रहा है। तो असल में यहां पर हुआ क्या कि यहां पर हमारा ये क्रॉस बन चुका है, ये जो कंडीशन है बिल्कुल 3x3 क्यूब वाली कंडीशन। देखिए यहां पर हमारा ये क्रॉस बन चुका है, और यहां पर हमारा ये एक पीस जो है अपनी पोजिशन पर मैच कर रहा है, लेकिन बाकी हमें पीसेस को क्या करना है, इनकी पोजिशन पर लगाना है। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि हमारा ये क्रॉस जो है ये बन चुका है, बस यहां पर हमें इन सभी पीसेस को इनकी पोजिशन पर सही से लगाना है। तो यहां एक पीस लगा हुआ है, तो यहां पर ये जब हमारा क्रॉस बनता है तो उसकी पहचान यही होती है कि एक पीस जो है हमारा अपने सेंटर साथ मैच कर रहा होता है। तो जब भी इस तरह कंडीशन आए तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्रॉस जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पीस अपनी पोजीशन मैच कर रहा है इसको हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे इस तरह से, और यहां से हम लोग सून एल्गोरिथम यूज करेंगे, जिससे क्या होगा इस बार हमारा यहां पर क्रॉस बन जाएगा। तो चलिए हम लोग वो एल्गोरिथम यूज करते हैं, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो देखिए अभी भी क्या हुआ कि हमारे सिर्फ एक पीस ही अपनी पोजीशन पे, बाकी हमारा कोई सा पीस अपनी पोजीशन पे नहीं आया। तो कोई बात नहीं, हम लोग इस एल्गोरिथम को फिर से यूज करेंगे, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम।
तो अब देखिए हमारे जितने भी एज पीसेज हैं ये सब सेंटर के साथ मैच कर गए और हमारे यहाँ पर ये क्रॉस बन गया। तो अब मैं आपको एक इस तरह कंडीशन दिखाना चाहता हूँ जिसमें हमारे जितने भी एच पीसेज हैं इनमें से कोई सा भी एच पीस अपनी पोजीशन पे नहीं मैच कर रहा है। देखिए जितने भी एच पीसेज हैं इनमें से कोई सा भी एच पीस सेंटर पीस के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं, यहाँ पर हमारे क्रॉस बस सॉल्व हो चुका है, हमें बस इन पीसेस को इनकी पोजिशन पे लगाना है। ठीक है, ये क्रॉस जो है ये सॉल्व हो चुका है, बस इन पीसेस को इनकी पोजिशन पे लगाना है। तो ये केस जो है बिल्कुल 3x3 क्यूब वाला ही केस है कि यहाँ पर हमारा क्रॉस बन चुका है और ये जितने भी एच पीसेज हैं बस इनको इनकी पोजिशन पे लगाना है। देखिए क्रॉस सॉल्व हो चुका है, बस इन पीसेस को इनकी पोजिशन पे लगाना है। यहाँ पर हमारा कोई सभी पीस जो है अपनी पोजिशन पे नहीं है, बस इनको इनकी पोजिशन पे हमें लगाना है। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अब सून एल्गोरिथम यूज करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारे पीसेज जो है अपनी पोजिशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी एंगल से इस क्यूब को पकड़ के वही सून एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं सून एल्गोरिथम, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो अब देखिए यहां पर हमारा ये एक पीस जो है ये मैच हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमारा क्रॉस बनने वाला होता है तो तब क्या होता है कि हमारा एक पीस जो है वो अपने सेंटर वो सेंटर के साथ मैच कर रहा होता है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो मतलब समझ जाइए कि हमारा क्रॉस जो है वो बनने वाला है। तो यहां पर एक पीस हमारा मैच कर गया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्रॉस बनने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पीस अपनी पोजिशन मैच कर रहा है इसको हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे। तो अब जब हम लोग यहाँ पर सून एल्गोरिथम यूज करेंगे तो हमारे यहाँ पर सारे पीसेस जो है वो मैच हो जाएंगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमारा क्रॉस बनने वाला होता है तो ऐसी कंडीशन आती है कि हमारा एक पीस जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाता है और बाकी हमें तीन पीसेस को लाना पड़ता है सून एल्गोरिथम लगाकर। तो ये पीस जो आ चुका है अपनी पोजीशन पर इसको हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे और यहां से चलिए हम लोग सून एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो अब देखिए जितने भी एच पीसेज हैं सब अपनी पोजीशन पर आ गए और हमारा यहाँ पर ये क्रॉस कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा क्रॉस बन गया और सारे पीसेज अपनी पोजीशन पर आ गए। तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आपको एक और कंडीशन दिखा देता हूं। तो अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सेंटर पीस है तो इस सेंटर पीस के साथ हमारे ये दोनों एच पीसेज जो है वो मैच कर रहे हैं। देखिए हमारे ये दोनों एच पीसेज मैच कर रहे हैं लेकिन हमारे बाकी के दो पीसेज मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों पीसेज जो हमारे मैच कर रहे हैं तो ये एक एल शेप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एल शेप कंडीशन बताई थी तो एल शेप कंडीशन में देखिए क्या होता है, ये इस तरह से एक एल बनता है। ठीक है, ये एक एल है तो सेम ऐसे हमारा यहां पर भी एल बनना है। देखिए ये जो है ये एक एल बनना है। देखिए यहां पर ये दो पीसेस मैच नहीं कर रहे हैं, इसको इस पर ध्यान मत दीजिए हमारे, लेकिन ये दोनों पीसेस जो है ये मैच कर रहे हैं सेंटर के साथ तो ये इस तरह से एक एल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक एल है तो हम लोग क्या करेंगे जब भी इस तरह से एल आएगा तो इसको हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे। ठीक है, ये देखिए अब एल जो है ये अपने फ्रंट में आ गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस क्यूब को हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं पकड़ते, तो हम लोग इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके पकड़ते हैं। तो जब हमारा ये एल आ गया तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और हम लोग एल्गोरिथम यूज करेंगे यहां पर। तो चलिए हम लोग यहां पर एक एल्गोरिथम यूज करते हैं, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो अब देखिए क्या हुआ, अभी भी फिर से हमारे यहाँ पर एल शेप आ गया। देखिए यहाँ पर दो पीसेज हमारे मैच नहीं कर रहे लेकिन यहाँ वाले हमारे दो पीसेज जो हैं ये मैच कर रहे हैं। देखिए ये पीस भी मैच कर रहा है और हमारा ये पीस भी मैच कर रहा है सेंटर के साथ। तो ये जो है ये भी एल शेप कंडीशन है। तो जैसे ये एल शेप कंडीशन है तो यहां पर भी ये एल शेप कंडीशन है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जब ये दोबारा हमारा एल आ गया तो इसको हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे, इसको हम लोग फिर से अपने फ्रंट में रखेंगे और हम लोग वही प्रीवियस एल्गोरिथम यूज करेंगे जो अभी तक हम लोग ने यूज किया था, एफ आर यू R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो देखिए अब क्या हुआ, अब हमारे पास ये लाइन शेप कंडीशन आ गई। तो यहां पर हमारे पास ये लाइन शेप कंडीशन आ गई, जैसे कि मैंने आपको ये लाइन शेप कंडीशन बताई थी, इस तरह से लाइन शेप कंडीशन बताई थी ये। तो ऐसे हमारे पास यहां पर ये लाइन शेप कंडीशन आ गई। देखिए हमारे ये दोनों पीसेज जो है ये सेंटर के साथ मैच कर रहे हैं, हमारे ये दोनों पीसेज सेंटर के साथ मैच कर रहे हैं सेंटर के साथ, लेकिन हमारे बाकी के दो पीसेज मैच नहीं कर रहे। तो ये दोनों पीसेज मैच कर रहे हैं सेंटर के साथ तो ये एक लाइन शेप कंडीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी ये जो लाइन आ गई इसको हम लोग अपने फ्रंट में पकड़ेंगे और हम लोग वही प्रीवियस एल्गोरिथम यूज करेंगे, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो अब देखिए यहां पर वही नेसेसरी कंडीशन आ गई जो मैंने बताया था कि क्रॉस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमारा एक पीस जो है वो सेंटर के साथ मैच करना चाहिए। देखिए हमारे बाकी के तीन पीसेज मैच नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे यहां पर एक पीस जो है वो सेंटर के साथ मैच कर रहा है। तो जब ये एक पीस अपने सेंटर के साथ मैच हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये पीस को अपने फ्रंट पकड़ के सून एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो ये कंडीशन मैं आपको पहले बता चुका हूं तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जब भी इस तरह कंडीशन आए कि हमारा एक पीस अपने फ्रंट में हो और बाकी के मतलब जब हमारा एक पीस जो है वो सेंटर के साथ मैच कर रहा हो बाकी के तीन पीसेज ना कर रहे हो मैच, तो जब भी इस तरह कंडीशन आती है तो हमारा क्रॉस सॉल्व होने वाला होता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये पीस अपने फ्रंट में आ गया तो इसको, सॉरी, जब ये पीस हमारा यहां पर आ गया तो हम लोग इसको अपने फ्रंट पर रखेंगे और यहां से हम लोग सून एल्गोरिथम यूज करेंगे. आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम. तो देखिए अभी भी हमारे बाकी के पीसेज जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, हमारा ये वाला पीस अभी भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है लेकिन बाकी के हमारे कोई पीस अपनी करेक्ट पोजीशन में नहीं आए. तो कोई बात नहीं, हम लोग इस पीस को अपने फ्रंट में रखेंगे और हम लोग फिर से एल्गोरिथम को यूज करेंगे. आर यू आर प्राइम यू यू आर यू टू आर प्राइम. तो अब देखिए हमारे जितने भी एज पीसेज हैं ये सब अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गए और यहां पर हमारा ये क्रॉस कंप्लीट हो गया. तो टॉप साइड पर क्रॉस बनाने के बाद अब हमें इन सब कॉर्नर पीसेस को इनकी करेक्ट पोजीशन पर लगाना है. तो देखिए यहां पर हमारा कोई सा भी कॉर्नर पीस जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इन सब कॉर्नर पीसेस को इनकी करेक्ट पोजीशन पर लगाना है. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक एल्गोरिथम यूज करेंगे जिससे क्या होगा, ये जितने भी कॉर्नर पीसेस हैं सब अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे. तो क्योंकि यहां पर हमारा कोई सा भी कॉर्नर पीस अपनी करेक्ट पोजीशन पर नहीं, तो हम लोग इस क्यूब को किसी भी एंगल से पकड़ सकते हैं और हम लोग वो एल्गोरिथम को यूज करेंगे. तो जैसे हमारे यहां पर कोई, यहां पर ये वाला कॉर्नर पीस अपनी करेक्ट पोजीशन में नहीं, तो चलिए हम लोग इसको किसी एंगल से पकड़ते हैं और वो एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं. यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल. तो अब देखिए क्या हुआ, यहां पर हमारा ये वाला जो कॉर्नर पीस है ये अपनी करेक्ट पोजीशन में आ गया लेकिन हमारे बाकी अभी भी और कोई सा कॉर्नर पीस अपनी करेक्ट पोजीशन में नहीं आया. तो ये जब कॉर्नर पीस अपने करेक्ट पोजीशन पर आ चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने फ्रंट में रखेंगे और इसी एल्गोरिथम को हम लोग फिर से यूज करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारे बाकी के जितने भी कॉर्नर पीसेज हैं ये सब अपने करेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे. तो चलिए ये जो पीस अपने करेक्ट पोजीशन में आ गया इसको हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे और यहां से हम लोग एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे. तो यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग इस क्यूब को कभी भी इस तरह से नहीं पकड़ेंगे एल्गोरिथम यूज करते वक्त, हम लोग इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके पकड़ेंगे इस क्यूब को और तब हम लोग एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं. तो ये पीस अपने फ्रंट में और चलिए अब हम लोग एल्गोरिथम यूज करते हैं. U R U prime L prime U R prime U prime L. तो अब देखिए यहां पर हमारे जितने भी कॉर्नर पीसेज हैं सब अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गए. तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया. तो अब आते हैं अपने लास्ट स्टेप पर. तो हमारा यहां पर पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है, अब बस हमें इस पीस को फ्लिप करना है. तो इस पीस को फ्लिप करने के लिए हम लोग वही बेसिक सा एल्गोरिथम यूज करेंगे आर प्राइम डी प्राइम वाला, जिससे क्या होगा कि हमारा ये कॉर्नर पीस फ्लिप हो जाएगा और हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए हम लोग वो एल्गोरिथम यूज करते हैं. आर प्राइम डी प्राइम आर डी. तो ये पीस अभी भी नहीं लगा, चलिए हम लोग फिर से यूज करते हैं एल्गोरिथम आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी. तो देखिए यहां पर हमारा पीस फ्लिप हो गया लेकिन हमारा क्यूब क्या हुआ, मैसअप हो गया. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर हमारे ये जो ट्रायंगल पीसेज हैं, ये जो आप लोग ट्रायंगल पीसेज देख रहे हैं ये इक्विलेटरल साइज के, मतलब ये कहीं से भी फिक्स हो जाते हैं. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन पीसेस को फिर से लगाना पड़ेगा, इनको फिर से फ्लिप करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा ये जो क्यूब मैसअप हो गया ये सॉल्व हो जाएगा कंडीशन. तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर ये वाले ट्रायंगल पीस को या इस वाले ट्रायंगल पीस में से किसी एक को अपने आप फ्रंट में ले आएंगे और हम लोग ये आर प्राइम डी प्राइम वाला एल्गोरिथम यूज करेंगे. तो चलिए ये वाला जो एल्गोरिथम हम, सॉरी ये वाला जो पीस है, चलिए इसको हम लोग फिक्स करते हैं. तो इसको हम लोग अपने फ्रंट में ले आएंगे और फिर से हम लोग इसी एल्गोरिथम को यूज करेंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी. तो देखिए यहां पर हमारा ये पूरा क्यूब सॉल्व हो गया. तो इस स्टेप में मैं आपको एक और कंडीशन दिखा देता हूं जिसमें हमें दो कॉर्नर पीसेस को फ्लिप करना है. तो देखिए हमारे ये दोनों जो कॉर्नर पीसेस हैं ये अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं, बस हमें इनको फ्लिप करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से पहले किसी एक कॉर्नर पीस को फिक्स करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर दूसरे कॉर्नर पीस को फ्लिप करेंगे. तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस कॉर्नर पीस को फ्लिप करते हैं. तो यहां इस पीस को फ्लिप करने के लिए हम लोग वही आर प्राइम डी प्राइम वाला एल्गोरिथम यूज करेंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी. तो देखिए यहां पर हमारा ये पीस जो है ये फ्लिप हो गया लेकिन क्या हुआ कि हमारे यहां पर क्यूब मैसअप हो गया. तो कोई बात नहीं है, तो हम लोग अब ये जो हमें दूसरा कॉर्नर पीस फ्लिप करना है इसको हम लोग अपने फ्रंट में ले आएंगे. ठीक है, इसको हम लोग अपने फ्रंट में ले आए और हम लोग इस एल्गोरिथम को फिर से रिपीट करेंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी.
तो देखिए यहां पर हमारा ये पीस जो है फ्लिप हो गया, लेकिन अभी भी क्या हुआ, हमारा क्यूब जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो ये छोटे वाले ट्रायंगल पीसेस हैं ये साइज में इक्विलेटरल है, मतलब कहीं से भी फिक्स हो जाते हैं। तो हमको इनको फिर से फ्लिप, इनको हमें फिर से फ्लिप करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पीस में से या इस वाले ट्रायंगल पीस में से किसी एक को अपने फ्रंट में ले आएंगे और उसको हम लोग फिर से फ्लिप करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वाले कॉर्नर पीस को अपने फ्रंट में ले आते हैं और इसको दोबारा से फ्लिप करेंगे। तो फ्लिप करने के लिए हम लोग इसी एल्गोरिथम को फिर से यूज करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए ये हमारा पीस जो है ये अभी भी नहीं फ्लिप, ये मतलब हमारा पीस फ्लिप हो गया लेकिन हमारा क्यूब क्या है अभी भी बिगड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो दूसरा वाला कॉर्नर पीस है ट्रायंगल पीस, तो ये भी मतलब गलत तरीके से लगा हुआ है। तो हमें इसको भी फ्लिप करना है। तो हम लोग इसको भी फ्लिप करने के लिए यही एल्गोरिथम यूज करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए यहां पर हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।